Hello, Ritesh. Very warm welcome to Desi Pataka. Yeah, thank you so much. So, Ritesh, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिग बॉस को आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको राखी का गेम? राखी काफी अच्छा खेल रही है एंड हाँ बिल्कुल मैं सलमान जी के कमेंट से सहमत हूँ कि इनिशियल में काफी अच्छा खेल रही थी. लास्ट के वन वीक उतना अच्छा इम्प्रेसिव नहीं रहा क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो गई लाइक. तो मुझे अभी के अगर उसको पॉजिटिव वे में लेती है एंड डेफिनेटली अगर इम्प्रूव करती है तो शी हैज अ चांस टू विन दिस शो. रितेश, राखी आपको घर में बहुत मिस करती है. अक्सर जैसे मैं लाइव फीड देखती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि राखी कह रही होती है बिग बॉस में बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ. तो ऐसी क्या वजह है जो राखी बार बार ये चीज बोलती है कि उसको भेज दो, रितेश को भेज दो, माँ वो यहाँ पर नहीं आएगा क्या मेरा हाथ पकड़ने? क्यों मतलब इस तरह से? डेफिनेटली मैं जहाँ तक राखी और मेरा जो रिलेशन रहा है उसमें डेफिनेटली वो एक छोटी सी बच्ची है और हमेशा वो जैसे बच्ची माँ को खोजती है वैसे वो नॉर्मल डेज में भी जब वो सो के उठेगी तो सीधा मुझे ढूंढते फिरती है. अगर मैं किसी और कमरे में अपना कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह लेता हूँ तो वो मुझे ढूंढते फिरती है. अगर वो देख लेगी कि हाँ मैं हूँ या मैं कभी जॉगिंग से बाहर निकला रहता हूँ तो वो मुझे खोजते रहती है. सो वहाँ पे मैं डेफिनेटली मैं उसको जैसे हमारी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग हमेशा एक दूसरे से या तो बात मीन्स ओवर फोन कनेक्टेड रहते हैं या तो हम लोग बातें करते रहते हैं तो डेफिनेटली उसको वो इनफैक्ट मैं भी उसको मिस कर रहा हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या तो आई हैव टू गो ओवर देयर और लाइक और उसको बाहर आना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ शी बिकॉज शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट और मुझे लगता है कि वो विन करके ही आए. पर रितेश, ऐसी क्या रीजन है जो हम लोगों ने आज तक राखी के हस्बैंड का चेहरा ही नहीं देखा? क्या सिर्फ मीडिया का डर? हम लोग इतने बुरे नहीं होते हैं मीडिया वाले? नहीं डेफिनेटली मीन्स राखी तो आई कैन से कि वो उसका मीडिया से काफी गहरा रिश्ता है बिकॉज बहुत पुराना रिश्ता है, हम काफी सालों से राखी को जानते हैं. यस, और यकीन मानिए रितेश, मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी है, मैंने खान की, बच्चन की, सबके इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन राखी जैसा एंटरटेनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी का नहीं लिया. मैं हंसते हंसते, हम लोग जितने भी रिपोर्टर्स होते थे हम लोग हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता था हमारे. डेफिनेटली राखी जिस तरीके से अपने इंटरव्यूज वगैरह देती है डेफिनेटली इट्स वेरी इम्प्रेसिव और वो बातें भी कहती है, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है. एंड बट ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे ना आने का रीजन क्योंकि हम लोग बहुत अनप्लान शादी किए, मीन्स लव इन फर्स्ट साइट था हमारा. हम काफी दिनों से कनेक्टेड थे ओवर व्हाट्सएप और हमारी बातें होती थी. बट ऑब्वियसली मैं तो राखी को देखा था मीन्स यूट्यूब और सोशल मीडिया से, बट राखी ने मुझे नहीं देखा था. एंड हमने जब जब हम लोग मिले और इमिडिएटली वी हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड और लाइक ये बहुत जल्द हुआ, विद इन 2-3 days में हो गया, जिसके वजह से हमारे पास टाइम नहीं रहा कि हम लोग एक प्लान शादी जैसे कोई प्रॉपर प्लान कर पाए. और इनफैक्ट उस टाइम मैं 2-3 डिफेंस के प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था जिसके वजह से मुझे लाइक मुझे डर था कि मेरे शेयर वैल्यू वगैरह सब डाउन होंगे, हो सकता है कि इसके बिकॉज लाइक और ये सब रीजन के वजह से मैंने उस टाइम राखी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज होल्ड इट क्योंकि हम लोग इनफैक्ट मैंने उस टाइम हमारे केवल जो पेरेंट्स थे वहीं को पता था और किसी को शादी के बारे में पता नहीं थी. तो यू कैन से राइट कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये पूरा का पूरा ये मेरी रिक्वेस्ट थी और एंड डेफिनेटली आई एम हैप्पी कि राखी ने मैं
इसमें भरपूर साथ दिया, एटलीस्ट मेरे बातों को उसने काफी तवज्जो दी, और लाइक इतने दिन तक मीडिया और लोगों के थाने सुन रही है, तो डेफिनेटली आई कैन से कि मैं उसका ये कर्ज जो है डेफिनेटली मैं इस जन्म में तो नहीं उतार सकता, बिकॉज जो मेरी फैमिली और जो मेरे प्रति उसका बिहेवियर रहा है इट्स ऑसम। मेरे फैमिली के लोग भी उसे बहुत लाइक करते हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत लाइक करता हूँ। डेफिनेटली अब वो तो पता ही चल रहा है। रितेश, घर के अंदर राखी का एक अभिनव के साथ एंगल देखने को मिल रहा है। हाँ, वो लाइक कहीं ना कहीं उसको वो मींस मैं जेलस नहीं हूँ, पर वो आपको जेलस कराने के लिए कर रही है ये सब, ये बहुत क्लियर है। हाँ, ये मुझे पता है कि उसको लगता है कि ऐसे करने से मैं जल्दी आ जाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं खुद जाना चाहता हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ अभिनव, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसको लाइक कमी है, और लाइक मेरे रहते उसको काफी सपोर्ट रहता है, नॉट ओनली मींस प्रोफेशनल लाइफ में, मैं पर्सनल लाइफ में भी, इवन जब भी अब वो शूटिंग पे जाती है तो इफ आई विल नॉट गो देन डेफिनेटली मेरे लाइक लोग जाते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ मैं उस शो में उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, एंड अगर means going further अगर चांस मिलता है तो डेफिनेटली यस आई विल गो। तो कोई चांसेस हैं अभी रितेश, कोई बात हुई है कुछ? यस डेफिनेटली मैं लाइक इट्स एब्सोल्युटली डिले फ्रॉम माय साइड, क्योंकि बिग बॉस की टीम लगातार दिसंबर से मुझे चेस कर रही है आने के लिए, एंड दिस वीक दे हैव प्लान, दे रिक्वेस्टेड मी टू कम, and I am also requesting you to please come. Definitely, मैं भी चाहता हूँ, but unfortunately क्या है कि मेरे कुछ business impact हैं जो लगातार pipeline, I mean hope you understand because मैं आपको बहुत बार commitment करके और फिर मैं call नहीं उठा पाया, so I'm very sorry about that because मैं definitely हमारे यहाँ काफी unplanned meeting होती है जिसके वजह से मुझे ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, सो बट डेफिनेटली मैं जाना चाहूंगा। एंड इनफैक्ट राखी के ही फैंस नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि आखिर राखी सावंत के हस्बैंड रितेश दिखते कैसे हैं, आप एक मिस्टीरियस मैन बन चुके हैं। मुझे भी लगता है रिसेंटली आई केम टू नो, लाइक मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो एटलीस्ट मैं न्यूज ये सब देखता हूँ, जिसमें अभी लाइक एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि ये सब फेक है, कोई हस्बैंड नहीं, पूरी फैमिली झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, मैं राखी को रितेश मैं बहुत सालों से जानती हूँ राखी को, और जब ये बात आई थी कि राखी सावंत एज अ चैलेंजर घर के अंदर एंटर होने वाली है, तब से मैंने सब्सक्राइबर को यही बोला कि आप लोग जो राखी को देखते हो स्क्रीन पर उससे राखी रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उनके पर्दे पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज बनी हुई है, लेकिन रियल लाइफ में राखी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बींग। करेक्ट, मैं आपके आपकी बातों से डेफिनेटली मैं यही दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि राखी की जो इमेज जो पर्दे पे है और प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में मैं एक से एक मॉडर्न लड़की को देखा, और एक से मैं खुद एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैंने IIT से पढ़ाई की है और फिर मैं हवा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बट राखी की तरह जो आज तक मुझे किसी कोई नहीं मिली, बिकॉज जो एक आदर्श पत्नी में होता है, जो कि आई नेवर एक्सपेक्ट कि मेरी वाइफ जो है मुझे खाना खिला के खाएगी, आई नेवर एक्सपेक्ट कि ऐसा भी होगा कोई भी। यस yes.
वो खुद से खाना परोस के फिर खिलाना, फिर मुझे हर चीज के लिए हर चीज वो मीन्स लाइक मेरा ब्लेजर वगैरह सब ला के देना, इट्स अमेजिंग. मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट डेफिनेटली शी इज डूइंग. राखी सावंत की एक टीम के बंदे ने मुझे बोला था लॉन्ग बैक कि मैम ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है राखी मैम, ये इतने प्यार से हमको रखती हैं. तो उसका एक इसी डायलॉग से मैं समझ गई थी कि राखी कैसी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है किसी भी एम्प्लॉय की अपने बॉस के लिए. यस, राखी आज भी जो है राखी के साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं. अगर राखी अगर देखा जाए तो उसके साथ बहुत सारे धोखे हुए, बट फिर भी अभी मैं रिसेंट की ही बात कर रहा हूँ, राखी ने एक वेब सीरीज की, राखी के पैसे नहीं मिले, लेकिन राखी ने उस बंदे को फोन करके कहा कि छोड़ दो मेरे पैसे, मेरे केवल एम्प्लॉयज के फंड रिलीज कर दो, मेरा पैसा रहने दो, तुम जब होगा तो देना. तो आई मीन नो वन हैज डेयर टू से दैट. राखी खुद, मैं जानता हूँ कि शी बिफोर मी शी वॉज इन डीप फाइनेंशियल ट्रबल. आज भी राखी की मदर जो है उनको, आई मीन इट्स थर्ड टाइम उनका कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, थर्ड टाइम. और बिफोर दैट राखी यूज टू मैनेज. और राखी की ट्रेजेडी, मैं अगर मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने, मैं इसलिए जब मैं बिग बॉस में जाऊंगा मैं बताऊंगा कि राखी के साथ क्या क्या हुआ, और मैं पूछूंगा कि वो गलत है क्या. अगर कोई भी लड़की, अगर उसके जगह कोई भी लड़की अगर रहती तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती, तो डेफिनेटली उसको पब्लिक, अगर अगर हाँ, वो मैं हम समझ सकते हैं. पब्लिक, हाँ यस, तो वो वो कोई भी रहती तो कंट्रोवर्सी हाँ क्रिएट करती, बिकॉज करती, खबरों में रहने के लिए करना उसके पड़ता है, पास, ऑप्शन नहीं था. यस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसकी मदर हॉस्पिटल में है, और किसी से वो पैसे, क्योंकि वही अपनी पूरी फैमिली को मुझे चलाती पता है, थी, हाँ और मुझे किसी पता से वो है. पैसे मांगने जाती है, बंदा उसको ऑफर देता है कि सेक्रीफाइस करो. डू यू थिंक लाइक इट्स राइट वे? नो, शी हैज नॉट डन. मीन वाइल उसको दीपक कलाल का ऑफर मिला कि ऐसा आपको प्रूफ क्रिएट करना है, तो उसने वो एक्सेप्ट किया. सो दैट डेफिनेटली आई कैन से कि वो एक एक्सेप्टेबल मूव है. मेरी पूरी फैमिली जानती है उसके बारे में, सभी राखी के बदले कोई भी चीज वो छुपाती नहीं है. रितेश, घर के अंदर राखी की काफी लड़ाई भी हुई, जैस्मीन वाला, वो जो नाक वाला केस था, उसमें आपका क्या टेक है? जैस्मीन ने जिस तरह से राखी को पोक करा, राखी को बोला, फिर सलमान ने भी जैस्मीन की क्लास लगाई, जैस्मीन चली गई तो अली गौनी राखी के पीछे पड़ गए कि तुमने जैस्मीन को बद्दुआ दी, हमें अलग होने की बद्दुआ दी, इसलिए हम अलग हो गए. मैं इस बारे में पहले तो अली से ही शुरू करता हूँ कि अगर बद्दुआ देने से अगर लोग एलिमिनेट हो जाते तो मुझे लगता है कि सारा का सारा बिग बॉस हाउस खाली हो जाता, बिकॉज ईच कंटेस्टेंट जो है एक दूसरे, वही गेम है राइट, उनको एलिमिनेट करना है. तो ये बद्दुआ से कुछ नहीं होता है. और अगर अली गोनी को, जैसे मैं देखा उनका बिहेवियर ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज आप अगर एक जेंटल पर्सन हो, आप अगर आपको लगता है कि हाँ, ऑब्वियसली पुरुषों में महिलाओं के बनिस्पत थोड़ा सा ताकत ज्यादा होता है, बट उसको आप ये सोच लो कि हाँ मैं रिंग ऑफ किंग हूँ, तो वो गलत है. ठीक है, वो कहीं भी उनको लगता है कि राखी कमजोर है, मैं कुछ भी बोल दूंगा या कुछ भी, क्योंकि मैं देखा राखी इवन ये जो गेम था जिसमें उसको पुदीना वगैरह मांगने थे, जो टूथपेस्ट वाला गेम था, उसमें एज अ कंटेस्टेंट शी वेंट एंड शी ट्राई टू कन्विंस, बट अली गोनी बहुत खराब से बिहेव किए, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था. पहला, दूसरी बात कि ये एक जो जेंटल बिहेवियर नहीं है. और अब मैं आता हूँ उनके चाहने, किसी के चाहने और ना चाहने से पहले उनको ये सोचना होगा कि वो क्यों वो नॉमिनेशन में आई. नॉमिनेशन में आने के बाद जनता चुनती है,
किसको रखना है किसको बाहर भेजना है, उसमें राखी का कहीं। और जब नॉमिनेशन में क्यों फंसी, क्योंकि आप चारों डिस्कस कर रहे थे राइट, वो राखी ने नहीं करवाया नॉमिनेशन में, और ना ही राखी ने वोट करवाया कि हाँ भाई इनको एलिमिनेट करने के लिए वोट करो, तो राखी कैसे कल्पेट हो गई। मुझे अभी तक मुझे लगता है कि अली को ये बात समझनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि अली का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा है, जेंटल बिहेवियर, मतलब से कि ये जेंटल बिहेवियर है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा अली को, अगर आपके चैनल के माध्यम से, कि आप बिग बॉस का प्यार जो है बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है, मुझे वो पता है 100%। मैं बिना कोई ये के बात नहीं करता हूँ, मैं सब चीज एनालाइज करके ही बात करता हूँ। बिग बॉस का प्यार बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है, कितना सच्चा है। वो आपका अभी प्यार परवान नहीं चढ़ा, उसके लिए आप इतना परेशान हो, वो तो मेरी बीबी है, तो मैं मुझे कितना गुस्सा आएगा। तो उनको ये बात समझनी होगी, क्योंकि वो तो मेरी बीबी है, मेरे लिए मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। और शायद अभी अली गोनी अभी तो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जब मैं राखी सावंत को हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे मेरे बारे में अभी शायद उनको पता नहीं है कि लाइक इस चीज से मैं एग्री करूंगी। जो राखी सावंत को हैंडल करे उसे सच में हल्के हाथ से नहीं लेना चाहिए, ये मैं एग्री करूंगी, उनको पता नहीं। और जैस्मिन का वो जो नोज वाला केस हुआ था, कौन सा नोज वाला, वो जो नाक पर लग गई थी ना, हाँ हाँ वो, हाँ नोज पे। अब मैं जैस्मिन पे आता हूँ। जैस्मिन एक खुद नर्सिंग की स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की है, और उनको ये भी नहीं पता है कि ये सिंपल लॉ है, अगर किसी चीज को, किसी भी चीज को, वो या तो इवन इनफैक्ट वो प्लास्टिक का बना हो, रबड़ का बना हो, आप उसको फोर्सफुली कहीं भी पहनाओगे वो हर्ट करेगा। ये मुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको ये बात पता होनी चाहिए पहले से। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। तो लाइक अगर किसी भी चीज को, और सभी लोग जानते हैं, बिकॉज राखी कभी भी, राखी में एक प्रॉब्लम है, वो कभी कोई चीज छुपाती नहीं है, वो सब चीज मीडिया के सामने भी, तो उसने सबको बताया है कि मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, हमें भी पता है, एक्सीडेंट हुआ था, ये बात बहुत पुरानी है। हाँ, सारे इनफैक्ट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे, जैसे लोगों को मुद्दा नहीं मिलता है, कोई भी आता है वो किसी को बोल देता है चीप, और लाइक मैं देखा अली गोनी ने, मैं बहुत केयरफुली बहुत वॉच कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था ये हमारे बैकग्राउंड में कि ये हमारे टॉवल को यूज कर लेती है, उनको ये भी नहीं पता है कि राखी ने, मैं 2 साल से राखी के साथ रहा हूँ, 2 साल से राखी ने मेरा टॉवल यूज नहीं किया, हमने खुद के टॉयलेट, हमारा बाथरूम, मेरा बाथरूम अलग है, राखी का बाथरूम अलग है, जब बाथरूम तक हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, जो कि मैं हस्बैंड हूँ, और तो उनका टॉवल कहाँ से यूज कर लेगी। डेफिनेटली इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, और इनको लाइक ये मीन्स नेशनल टेलीविजन पे ऐसा स्टेटमेंट देना, डेफिनेटली अगर कंटेस्टेंट इस बेस पे जीतना चाहते हैं तो मैं कहूंगा ये शेमफुल है। नहीं, एक्चुअली आपकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करूंगी। राखी जब कैप्टन बनी, हर किसी ने उनको परेशान करा, और ये साफ दिख रहा था कि राखी को टारगेट किया जा रहा था, ये इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि वो रुबिना और अभिनव की टीम में थी, अभिनव को उन्होंने सेव किया था नॉमिनेशन से, तो वो चीज दूसरी टीम नहीं समझ पा रही थी। डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि जैसे क्या होता है ना कि राखी जो है जिस परिवेश से उठ के आई है वो ट्रूली उसको एक्सेप्ट करती है, जिससे लोगों को लगता है ना चीप है, वल्गर। मैं ये पूछता हूँ, अगर कोई बंदी जो लिटरेट नहीं है, जो जिसके पास कोई गॉड फादर नहीं है, अपने दम पे आएगी, और जब एक बार, मैं आज भी इतना मैच्योर पर्सन हूँ, मैं आज
पूरी इंडस्ट्री को चला रहा हूँ, मेरी जितनी भी कंपनीज हैं उनको चला रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे फादर मेरी फैमिली को चलाते हैं, राइट? बिकॉज मैं फादर के अंडर हूँ, तो मुझे वो चाहिए। लेकिन राखी तो अपना प्रोफेशनल पर्सनल दोनों देखती है। राखी आज भी अपने मदर को, आज भी अपने पूरे ब्रदर और लाइक सिस्टर सबका ख्याल रखती है, सबको लेके चलती है, राइट? तो फाइनेंशियली उठाना रियली एज अ मदर, वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए मदर है, वो उठाना रियली एक बिग टास्क है। मैं अपने को कह सकता हूँ कि मैं समझता हूँ मेरे फादर कितना स्ट्रगल करते हैं एक फैमिली को रन कराना, राइट? इट्स नॉट सो इजी टास्क, राइट? क्योंकि आप ईच एंड एवरी मेंबर के सारी चीजों की जरूरतों को पूरा करना, इट्स नॉट फाइनेंशियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फाइनेंशियल, बिकॉज जरूरतें केवल फाइनेंशियल नहीं होती है, बहुत सारी जरूरतें होती है, वो सबको लेके चलती है। Definitely it's amazing. और उसमें आपकी आपको सल्यूट करना चाहिए वैसी लड़कियां जो ये प्रूव कर दें कि हम लोग बेटी नहीं बेटा है। नहीं, ऑनेस्टली रितेश, मैं अपना रिव्यू करती हूँ, मैंने जितनी बार भी राखी का उसमें जिक्र होता है, मैंने हर बार यही कहा है कि राखी एक बहुत स्ट्रांग लड़की है, और हमने देखा है उसे शुरू से, इसलिए जानते हैं कि किस तरह से राखी ने अपने परिवार को संभाला है, और एक बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह ही वो जी है। डेफिनेटली, मैं वही बताना चाहता हूँ कि वो बेटे, तो हमें वैसी लड़कियों को, आप एक गेस करो कि आज मैं कभी भी अगर मुझे कोई ट्रबल आती है, मैं किसी से हेल्प मांगने के लिए मुझे कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक लड़की को किसी से हेल्प मांगने में कितने प्रॉब्लम्स फेस होंगे, राइट? ये राखी जीता जागता उदाहरण है। और जो लड़की पढ़ी नहीं है, जिसको ये भी, जिसको आईटी रिटर्न के नाम पे लोग, आईटी रिटर्न फाइल करने के नाम पे लोग 75 बार मिलने बुलाते थे कि आओ साथ में डिनर करो, ऐसे मैं बता रहा हूँ ना कि उसकी उसकी स्टोरीज जो है, जो उसकी स्टोरीज है, अगर उसको लाया जाए तो डेफिनेटली एक एक फिल्म हो जाएगी उस पे। बिकॉज ये बहुत ही खराब, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये बहुत ही खराब सिस्टम रहा है जिसे राखी फेस करके गई है। एग्रीड। रितेश, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। घर से बाहर निकलने के बाद जैस्मीन ने एक स्टेटमेंट दी राखी सावंत के लिए कि राखी आपको स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे 1 से 1.5 मिनट तक एंटरटेनिंग लग सकती हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे उनके साथ रहना बहुत इरिटेटिंग है। मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट मैं देखा जैस्मीन का, मैं देखता हूँ कि जैस्मीन बाय वर्ड जो है ना इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, बट डेफिनेटली लाइक उनका बिहेवियर वैसा नहीं रहा। राखी के साथ मैं 2 साल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बोलूँ मैं बहुत ही ओपन हार्टेड पर्सन हूँ, मैं डेफिनेटली अगर कुछ राखी में कमी रहती मैं डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करता। राखी के साथ मैं 2 साल रहा, 2 साल में शायद ही लड़ाई हमारी बहुत होती है, लेकिन शायद ही हम लोग कभी एक दूसरे से इरिटेट हुए, शायद ही, क्योंकि हम लोग हमेशा एज अ दोस्त की तरह बातें करते हैं राखी, और राखी हर चीज जो है अपना ओपनली बात करती है। अगर उसको कुछ चाहिए तो वो घुमा के नहीं बात करेगी, डायरेक्ट उसको चाहिए, और उसकी खुशियां जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी खुशियां होती है, बहुत छोटी छोटी खुशियां होती है। अगर उसको कुछ कंगन पसंद आता है और सेकंड कंगन उसको कहीं से भी आप ढूंढ के लाके दे दो, अगर उसको जो पसंद है तो उसी में खुश हो जाएगी। शी डोंट बॉदर अबाउट कि ये डायमंड का है, ये गोल्ड का है, उसको उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कि हाँ भाई जो मेरी चॉइस थी आज मैं पहन ली। तो मैं राखी के साथ रहा हूँ, मैं मुझे कभी नहीं 2 साल में, मुझे आज भी नहीं पता है ना लोग 2 साल कैसे गुजार लिए। इट्स फॉर मी इट्स जस्ट फॉर अ मंथ, मुझे लग रहा है कि एक मंथ मैंने गुजारे हैं। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ राखी के साथ रहना, और नॉट मी,
अगर राखी किसी के साथ रहती है या किसी किसी भी लाइक शूटिंग पे या किसी, वो लोगों को तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है ये तो सच है, तुरंत ये सच है। और लोगों को रिस्पेक्ट देना तो मुझे नहीं लगता कि इरिटेटिंग है। जो कि जैस्मिन, वो जैस्मिन ने जो भी बोला है वो कह सकते हैं वो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ उन्होंने पहले भी अली का ये सब करके, मैं तो शो को क्लियरली वॉच करता हूँ, और कहीं ना कहीं उनको उनको राखी ने एलिमिनेट नहीं किया, उन्होंने खुद अपने को एलिमिनेट किया जब वो स्ट्रैटेजी बना रही थी, तो उनका नॉमिनेशन पड़ा, फिर जनता ने उन्हें एलिमिनेट किया, क्योंकि जनता ने देखा कि आप राइट? किस तरह से बदल रहे हो शो के अंदर बार बार। आप बदल रहे हो, यस डेफिनेटली, आप शी वॉज अ गुड कैंडिडेट, बट डेफिनेटली आप, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अली के जाने के बाद से उनका गेम खराब हुआ, बिकॉज जब जब इंसान खुद से लड़ता है तो उसको अपनी कमजोरियां पता रहती है कि वो क्या गलत कर रहा है, एंड आई कैन से कि इन सारे कंटेस्टेंट को एक बार सलमान जी का जो एक एक वर्ड है उनको बहुत ही प्रिसाइसली सोच सुनना चाहिए और समझना चाहिए, बिकॉज ही इज अमेजिंग पर्सन। मैं तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि सलमान जी अगर आईटी में आए तो ये बेस्ट होगा, बिकॉज आई नेवर सॉ कोई पर्सन इतनी बारीकी से, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आईक्यू। मैं देखता हूँ, मैं भी अपने एम्प्लॉयज की एक एक चीज को नोट करके रखता हूँ, बट मैंने देखा इट्स अमेजिंग, सलमान खान ने एक एक पॉइंट को उनको याद है, एंड वेरी प्रिसाइजली वो सब चीज इंडिकेट भी करते हैं। अगर जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो अगर उनकी बातें सुने क्लियरली और उसको वो लोग अडॉप्ट करें तो डेफिनेटली दे कैन विन, क्योंकि सलमान खान ये काफी हिंट देते हैं, हाँ बहुत। उन्होंने बहुत हिंट देते हैं जिन जिनकी वजह से, और रियली सलमान खान की बातें, जहां वो कोई भी कंटेस्टेंट अगर गलत है, राखी लास्ट वीक गलत जा रही है, उन्होंने सही, वो किसी को फेवर नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी लोगों को मैंने जो सलमान खान के बारे में सुना था, डेफिनेटली मैं अभी एडमिट कर रहा हूँ कि ये 100% ट्रू है, डेफिनेटली ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन और ही इज अ वेरी गुड बहुत ह्यूमन लोगों बींग, के लिए हाँ गॉडफादर है। हाँ ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, नो डाउट इन यस दैट। अगर आप रितेश घर के अंदर जाते हैं तो किस किस से आप बदला लेने वाले हैं अपना, जो जो राखी के साथ हुआ है, क्या गेम हाँ, प्लान तो रहेगा आपका? मेरा तो फर्स्ट टारगेट है लाइक अली, ठीक है, क्योंकि अली मीन्स आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सॉफ्ट से बात कर रहा हूँ, अभी अली मुझे चिल्लाते नहीं सुना है, उसके कान के जो पर्दे हैं फट जाएंगे, वो सोचता है कि मैं चिल्ला दूँ और ये से लोग डर जाएंगे, वैसा नहीं होता है, बिकॉज हालांकि मैं तो पहले उसको टारगेट करूंगा, क्योंकि अली के पास मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा गेम है और गेम प्लान है, ठीक है, और दूसरा टारगेट मेरा राहुल वैद्य रहेगा, बिकॉज मैं सिंगर को आज तक मैं किसी भी मैं खुद एक म्यूजिक लवर हूँ, बट कभी सिंगर को इतना इस टाइप का सिंगर नहीं देखा, मैं बहुत सारे सिंगर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, बट इस टाइप का सिंगर मैं नहीं देखा, वो बंदा एक स्टैंड ही नहीं लेता है, मीन्स वो मुझे अली का अगर मैं बोलूँ तो अली का धूम मुझे नजर आता है, कि जमुरा जहाँ अली जाएगा वहीं होगा, जमुरा उसको बोल सकते जमुरा नाम दिया गया है वो आजकल की फाइन, क्योंकि वो बहुत ही लाइक सब सेम चीज को वो आएगा और अली के फेवर में बात करेगा, और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में बात करता है, जिसे लगता है कि हाँ वो कहीं का दार्शनिक है और वो अपनी बातें रखना चाहता है, बट उस बात को कहीं भी कोई कॉन्क्रीट या कोई मोटिव नहीं रहता है, वो कुछ भी बक के चला जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट,
तो मेरा टारगेट ये दोनों रहेंगे। और आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस के टॉप 5 कौन होंगे? मेरे अकॉर्डिंग एक तो मुझे एजाज लगा कि हाँ ही विल बी, बट वो अभी नहीं है। तो डेफिनेटली रुबीना एंड अभिनव, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन कह सकता हूँ। राखी तीसरे नंबर पे मैं राखी को मानता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि राखी को उसके लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो मुझे लगता है कि हाँ, इंटरटेनमेंट व्यू से, और मैं वोटिंग पर भी नजर बनाए हूँ, तो मुझे लगता है कि अभिनव और रुबीना दे कैन दे। मतलब उन दोनों में से कोई एक जीत सकता है। हाँ, कोई एक जीत। अच्छा, राइट। ठीक है रितेश, इंतजार रहेगा कि आप घर में कब आएंगे, क्योंकि फैंस को भी आपका बेसब्री से इंतजार है। अक्सर मुझसे लाइव में ये सवाल पूछा जाता है कि मैम रितेश कब आ रहे हैं घर के अंदर। बहुत इंतजार है दर्शकों का, और दर्शकों को आपके आने का। और मैं, आप यकीन मानिए, जैसे ही आप आएंगे मैं ये भी लिख कर देती हूँ कि बिग बॉस की टीआरपी में बड़ा उछाल भी आएगा। डेफिनेटली मैं भी आने के लिए, मैंने नेक्स्ट वीक के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल किए हैं। मैं बोला हूँ कि नहीं, मुझे अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा फोकस करना है, नहीं, तो इंतजार रहेगा इसलिए आपका। मैं भी कोशिश में रहूंगा। और टू मच, आपने अपना, आई मीन आपने काफी बार रीशेड्यूल करके और मेरे से बात की। थैंक यू सो मच, आपसे नहीं, बात थैंक करके यू सो अच्छा मच कि लगा। आपने इतना टाइम निकाला, और आई एम वेरी हैप्पी कि जितनी रियल लाइफ में सॉफ्ट स्पोकन लविंग राखी है उससे भी अच्छे उनको लाइफ पार्टनर मिले हैं। और सच में जो वो डायलॉग बोला था राखी ने अपनी मम्मी को कि मम्मी रितेश को बोलो एक बार तो दुनिया के सामने आके मेरा हाथ पकड़े, वो आज भी सुनते हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो रितेश जाइए, हाथ पकड़िए और दिखाइए जो लोग राखी को टारगेट कर रहे हैं कि उनका मुंह बंद हो जाए। डेफिनेटली, थैंक यू रितेश, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। गॉड ब्लेस यू। या थैंक यू सो मच, बाय। बाय।